मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत के लिहाज़ सेहत और इलाज मुआलजे का मामला पेचीदा होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि नवाज शरीफ को मतलूबा सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज ना कराना जुर्म और सियासी इंतकाम है, उन्हें बिला ताखीर किसी अच्छे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने कल कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात की और फिर ट्विटर पर कहा कि वालिद की ज़ाती मॉलेज और मेरी मौजूदगी में नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ़ हुई, जिस पर उन्हें नाइट्रेट स्प्रे दिया गया। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि जेल में पिछले हफ्ते के दौरान नवाज शरीफ को दिल के चार दौरे पड़े, लेकिन उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया। आज भी मरियम नवाज और उनके अहल खाना अस्पताल गए और जाने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात पर मनाने की कोशिश की कि आप अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया है। मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में कहा था कि तीन बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की सेहत के बारे में हुकूमत ने जो बेहसी अपनाई हुई है उस पर उन्हें तश्वीश है। जेल में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है और उन्होंने ये कहा कि वो और उनके अहल खाना नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में सख्त परेशानी का शिकार है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ इलाज के नाम पर अस्पताल घुमाने और तजहीक का निशाना बनाने को तैयार नहीं, वो नहीं चाहते कि उनको तजहीक का निशाना बनाया जाए। नवाज शरीफ के ज़ाती मॉलेज डॉक्टर अदनान ने ट्विटर पर कहा कि दिल की तकलीफ की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है, उनकी हालत तशवीशनाक है, उन्हें फौरी इलाज की जरूरत है, मजीद ताखीर गफलत की मुतरादिफ होगी। दूसरी जानब तर्जुमान हुकूमत पंजाब शहबाज गिल ने मरियम नवाज की ट्वीट का जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बावजूद डॉक्टरों ने जेल में नवाज शरीफ का मुआयना किया, अगर वो चाहें तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार किया, लगता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अस्पताल पसंद नहीं है। वजीर सेहत का कहना है कि नवाज शरीफ जब चाहें उन्हें दिल के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया, उनकी सेहत ठीक है, जबकि नवाज शरीफ को तमाम ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज भी मरियम नवाज और उनके दीगर अहल खाना नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए गए, नवाज शरीफ साहब नहीं माने। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में मुतजाद बातें हैं, खानदान कुछ और कह रहा है और सरकार कुछ और कह रही है, असल मामला क्या है, कैसी है उनकी सेहत इस वक्त? देखिए मसूद, उसमें मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ का वाकई दिल का मसला है। उनके जो दिल का निचला हिस्सा है यानी बाएं जानेब जो निचला हिस्सा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ उसको हम लोग कहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को जो है मुसलसल सीने में बाएँ जानेब यानी दिल की जानेब जो है इस जानेब वो दर्द रहता है। मियां नवाज शरीफ का जब ऑपरेशन, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, आप अगर रिवाइंड करें अपनी मेमोरी को, तो इनका एक ऑपरेशन हुआ था जो दिल का, जब इनको जब बाईपास करना था तो वहाँ पे ये बिल्कुल एक दफ़ा तो जो है ये डॉक्टर के हाथ से तकरीबन निकल गए थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ने चाहा और उनको वो बचत हो गई। लेकिन वो डॉक्टर ने, चूँकि जो हार्ट सर्जन होते हैं ये शायद इनका असूल है या रवायत है कि जो जिसका पेशेंट होता है वो दूसरा पेशेंट उसके पास जाता है तो वो कहता है कि नहीं, आप उसी बंदे के पास जाएं जिसने आपका ये हार्ट का ऑपरेट किया हुआ है, वो नहीं उमूमी तौर पे जाते।
लेकिन इसमें मियां नवाज शरीफ के केस में भी शायद इसी किस्म का मामला नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ को कभी सर्विसेज अस्पताल लेके गए और उनका इलाज वहां पर जो दिल का इलाज मुमकिन नहीं था वो नहीं किया, इसी तरह वो उनको कभी PIC टेस्ट करवाने लेके गए और उनका टेस्ट होता है लेकिन उसमें फिर कुछ नहीं मिलता उन्हें, फिर उसके बाद वो उनको जिनाह अस्पताल ले जाते हैं, फिर वहां से भी यही मामला आता है। तो मियां नवाज शरीफ का ये जो बयान है या बयानिया इसको कह लें अब तो बन गया कि मुझे अस्पताल फिरने का, मैं कोई जो है खानाबदोश नहीं हूं अस्पतालों का, मुझे एक जगह रखे, मैंने जेल में ही रहना है, मुझे वहीं पे इलाज करवा लें। ये तजहीक आमेज रवैया है और मैं घूमने फिरने नहीं जा सकता, अपनी तजहीक नहीं करा सकता। क्या वाकई हुकूमत का रवैया ऐसा है, अस्पताल इंतजामिया का रवैया ऐसा होता है? नवाज शरीफ के अहले खाना कहते हैं कि PIC में कोई दिल का वार्ड ही नहीं है जहां पर इनको लेके गए, क्या वाकई ऐसा मामला है? PIC में इलाज बिल्कुल मुमकिन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इलाज मुमकिन है, लेकिन जिस सर्जन ने मियां नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी की थी आज से 1.5 साल कबल, वही सर्जन जो है अगर इनकी दोबारा देखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकेगा, वो दोबारा ज़्यादा बेहतर ऑपरेट कर सकेगा, क्योंकि अमूमी तौर पर वो बिल्कुल ऑपरेट उनको यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है एक रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, एज फैक्टर भी बड़ा मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के हो गए हैं। उस हवाले से भी जो डॉक्टर्स हैं सीनियर, वो उनको जो 5 मेडिकल बोर्ड बनाए गए उसमें जो थे, जो डॉक्टर थे पिंडी के भी मौजूद थे, लाहौर के भी थे, लेकिन उन 5ों ने कहा कि जी इनको दिल का मसला है, इनको किसी स्पेशलाइज की ज़रूरत है, लेकिन मजबूरी ये है हुकूमत की कि वो सरकारी अस्पताल के अलावा उनको कहीं नहीं भेज सकते। इनका ये मसला है कि ये किसी सरकारी अस्पताल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अब मामला इस बात पर है कि जी जो इनके हार्ट सर्जन हैं उन्हीं से करें। बहुत शुक्रिया अरसान रफीक भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ हमारे लाहौर में। और आपने सुना कि मामला क्या है। मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमानी कर रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा। अरसान रफीक भट्टी साहब जैसे बता रहे थे कि मामला ये है कि हुकूमत सरकारी अस्पताल में भेजना चाहती है, मियां नवाज शरीफ साहब अपने ज़ाती मौलजीन से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना चाहती हैं, यही मामला है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मामला बिल्कुल ये नहीं है, इसके बरक्स है मामला। और उसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगी और जिसके तनाजुर में आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयान भी आया है और मरियम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दी हैं। 5 बोर्ड हुकूमत पंजाब ने ख़ुद तश्कील दिए और 5ों बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन, और ये बात मामला शुरू हुआ जब पहली दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हस्पताल मुंतकिल किया गया जेल से, और उसके बाद हर मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला सामने आया कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो हार्ट के इंडिकेटर्स हैं, वैल्यूज़ हैं केमिकल्स की, और इसके साथ साथ जो उनके किडनी के इंडिकेटर्स हैं वो वर्सन होते जा रहे हैं और जो मेडिकल टर्म्स के अंदर ख़तरनाक हो सकते हैं, और उनको बार बार एंजाइना अटैक्स भी जेल के अंदर हो रहे हैं। उस तनाजर के अंदर बार बार हुकूमत ने बोर्ड को तश्कील दिया, लेकिन यहाँ बात यास्मीन राशिद साहिबा जो कि अच्छी डॉक्टर ख़ुद भी हैं और इस तमाम मामले को समझती भी हैं, लेकिन क्योंकि हुक्म आया है दरबार से सियासत करने का मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पर, इसलिए हर तर्जुमान और हर वज़ीर जो है वो इस मामले के ऊपर सियासत कर रहा है, और बोर्ड्स ने, हर बोर्ड ने रेकमेंड भी किया कि फौरी तौर के ऊपर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। PIC के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद उनको सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद उनको जिना हॉस्पिटल ले जाया गया। बोर्ड ये कह रहे हैं कि ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, और हुकूमत के अपने बोर्ड ये कह रहे हैं कि ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहाँ हार्ट की पूरी फैसिलिटी 24 घंटे मौजूद हो। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, खुद यास्मीन राशिद साहिबा भी जानती हैं, हुकूमत भी जानती है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में हार्ट का कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, इसी तरह जिना हॉस्पिटल के अंदर भी मौजूद नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसी मुल्क के जिसको उन्होंने दिफाई ताकत बनाया, जिसको उन्होंने माशी ताकत बनाने के आज़म के ऊपर पिछले 5 साल जो काम किया, उसके बाद इस मुल्क को के तमाम इकाइयों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा और मुल्क के अंदर जो दिन रात अंधेरे थे उनको दूर किया, दहशतगर्दी के अंधेरों को दूर किया। बहुत बड़ा अस्पताल है लाहौर के अंदर। नहीं जी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ उस बात पे। देखिए मेरी बात सुने, उस 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म की सेहत के साथ ये मजाक कि कभी उनको एक अस्पताल,
अगर सर्विसेज हॉस्पिटल में दिल का जो आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, वहाँ एक फैसिलिटी मौजूद ज़रूर है, लेकिन क्योंकि बोर्ड ने यह कहा है कि पूरा एक कॉम्प्रीहेंसिव फैसिलिटी 24 घंटे वहाँ मौजूद होनी चाहिए हार्ट की, और फिर जो एंजियोग्राम का रेकमेंड किया है बोर्ड ने खुद, उसके ऊपर खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को डॉक्टर्स और बोर्ड तैयार नहीं होते, क्योंकि मियां साहब की एक कॉम्प्लिकेटेड से पहले तो ये मामला देख लेना उनके जो स्टैंडिंग आपके दौरे हुकूमत में तो हम ये सुनते थे कि बेहतरीन किस्म के अस्पताल बनाए गए हैं। क्या पूरे पंजाब में कोई एक अस्पताल भी ऐसा नहीं है जहां मियां नवाज शरीफ साहब की दिल की बीमारी का इलाज हो सकता हो? देखिये, मैंने तो खुद मुस्तरद किया इस बात को, पीआईसी के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो क्यों नहीं मियां साहब का ट्रीटमेंट पीआईसी के अंदर शुरू किया गया? क्यों सर्विसेज हॉस्पिटल मियां साहब को भेजा? क्यों जिना हॉस्पिटल भेजा? क्यों नहीं पीआईसी के अंदर उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल किया गया? क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत सियासत करना चाहती थी। अच्छा, ऐसे निर्मल साहब कहते हैं कि पीआईसी में कोई कार्डियक वार्ड मौजूद नहीं है, आप कहती हैं कि पीआईसी में ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू किया? मुझे नहीं पता, नहीं पीआईसी नहीं नहीं शुरू किया ना, और एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे अस्पताल और कोई ट्रीटमेंट शुरू किए बगैर उन्होंने ये कहा कि मैं मैं जेल जाना मुनासिब समझूंगा, और उन्होंने आज भी यही बात की कि इस किस्म का तजीक आमेज रवैया उनको काबिले कबूल नहीं है, और जिस तरह के बयानात तर्जुमान से लेकर वुजरा से लेकर खुद वजीर आजम जब खड़े होते हैं उस सेरेमनी के अंदर जो हेल्थ कार्ड मियां नवाज शरीफ का तोहफा है उसके ऊपर भी मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करते हैं। इन लोगों को, इन लोगों की ज़ेहनी और इखलाकी पस्ती का ये आलम है कि आज मैं सुन रही थी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ यास्मीन राशिद साहिबा की, और मैं नहीं ये कहना चाहती क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन वो तमाम मामले को समझती हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत की। आज उनका पूरा खानदान, उनकी वालदा जेल में थी, उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वहाँ वो जाहिर है बेटे की हालत देखकर और मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शरीफ साहब ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो हॉस्पिटल जाएं, मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इज्जत से मुझे जो कुछ हो जाए मैं उसको ज़रूर फेस कर सकता हूँ, लेकिन ये तजीक आमेज रवैया, मेरी सेहत के ऊपर सियासत और मेरे साथ ये सलूक मुझे काबिल कबूल नहीं। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज लाहौर के अस्पताल में मुमकिन है, आपका मानना यह कि ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जा रहा? उधर हुकूमत ये कहती है कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने देखा, उन्हें दवाएं दी जा रही हैं और जिस अस्पताल जाना चाहें वो चले जाएं, मगर आप मियां नवाज शरीफ साहब इस बात को नहीं मान रहे। कहा यह जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में अपने उस अस्पताल से इलाज कराना चाहते हैं, उन डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं जहाँ वो पहले इलाज कराते रहे हैं, तो क्या ये मामला है जो दूसरी तरफ से कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क जाना चाहती? नहीं, ये देखिए, मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा मियां को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहां मियां साहब ने ये बात कही है कि मैं लंदन जाना चाहती हूं? नहीं, वो यहां के मियां साहब की एक भी स्टेटमेंट अस्पतालों में इलाज नहीं करा रहे जबकि इलाज मुमकिन है और हुकूमत कह रही है कि हम इलाज कराना चाहती है। ये किसने कहा है? नहीं नहीं, ये हुकूमत उस वक्त कह रही है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये तजीक आमेज रवैया मुझे काबिले कबूल नहीं। क्यों नहीं शुरू में पीआईसी में इन्वेस्टिगेशन हुई? क्यों नहीं उनका इलाज शुरू किया गया? क्यों उनको सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा गया? क्यों उनको जिना हॉस्पिटल भेजा गया? हुकूमत इस बात का जवाब दे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बोर्ड के डॉक्टर्स ने, पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स ने यह कहा है कि उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री है और उसके मुताबिक जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये खाली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, ये जिस जिसको मेडिकल की कोई समझ है और सबको समझ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एक हिस्ट्री मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड हो और उसके अंदर उनकी ड्यूरिंग द सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, उस वक्त आप ये डॉक्टर्स जो होते हैं, दूसरे डॉक्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते, और इसीलिए पांच बोर्ड्स ने रेकमेंडेशंस तो दी लेकिन उनका इलाज शुरू नहीं किया क्योंकि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने खुद रेकमेंडेशन में लिखा जो हाई कोर्ट के अंदर भी ये इसके ऊपर पूरी जिरह हुई, हमारे वकला ने कहा कि ये बोर्ड्स ने, डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि उनके जो अपने सर्जन हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री उनकी हार्ट सर्जरीज की है, तो अगर वो हों तो मुनासिब है कि उनकी मौजूदगी में हो। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी जगह के ऊपर, हाँ हुकूमत ये तासुर ज़रूर देने की कोशिश करती है कि उन्होंने कहा मैंने लंदन जाना है, मैंने यहाँ इलाज नहीं कराना, और मैं ये भी बताती चलूँ कि जितने इस वक्त पंजाब के अंदर कार्डियोलॉजी सेंटर्स, लिवर सेंटर, किडनी सेंटर, चाहे जो भी हॉस्पिटल, जहाँ पीआईसी से लेकर तमाम हॉस्पिटल, उस पर मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो तख्ती है वो लगी हुई है, ये जो हमारी तरफ उंगलियां उठाते हैं, ये खुद बताएं कि केपीके के अंदर एक अस्पताल के अंदर एक कमरा भी इन्होंने पांच साल के अंदर बनाया है, इसलिए माजरत के लिए जिस जगह जाएंगे
करेंगे, वहां हर काम के ऊपर, हर मंसूबे के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्ती होगी, और खुदारा उनकी सेहत के ऊपर सियासत करना छोड़े और कारकर्दगी की सियासत सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम औरंगजेब साहब। बहुत संगीन इल्जाम हुकूमत पर लगा रही हैं तर्जुमान मियां नवाज शरीफ मरियम औरंगजेब साहिबा के, नवाज शरीफ साहब का इलाज होना चाहिए मगर उनका इलाज शुरू ही नहीं किया गया। उनके टेस्ट ज़रूर किए गए लेकिन ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो हुकूमत पर लग रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे साहिवाल वाकये की। दावा तो ये था कि लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा, 72 घंटे में इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब खबर यह आई है कि जो बड़े सरकारी अफसर थे, जो पुलिस के बड़े अफसरान थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा। एक ब्रेक के बाद तफसील से बात करते हैं। सानाई साहिवाल को 45 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल सका, बल्कि CTD के तब्दील किए गए सरबरा राय ताहिर को क्लीन चिट देकर एक बार फिर उन्हें एडिशनल IG CTD तैनात कर दिया गया है। 19 जनवरी को साहिवाल में CTD के हाथों एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 अफराद के कत्ल के बाद ये एडिशनल IG CTD राय ताहिर को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन इस सानहे की JIT रिपोर्ट में राय ताहिर को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद आज उन्हें दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया है। सानहे साहिवाल में JIT रिपोर्ट पर लवाहिकीन और माहिरीन की जानिब से बहुत से सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 1 माह में रिपोर्ट तलब की थी, जिसकी मुद्दत 1 हफ्ते बाद 14 तारीख को पूरी हो रही है। JIT ने अपनी रिपोर्ट में मकबूल खलील और उसकी फैमिली को बेगुनाह करार दिया था। रिपोर्ट में इस बात का एतराफ किया गया था कि कार में सवार खलील और उसके अहले खाना को बचाया जा सकता था। JIT रिपोर्ट में CTD के 6 अहलकारों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि CTD के आला अफसरान को बेगुनाह करार दिया गया था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने इस सानहे के बाद वाज़े तौर पर ये यकीन दहानी कराई थी कि ये नया पाकिस्तान है, अब माजी में बनने वाली JITs की तरह नहीं होगा, रिपोर्ट आने दें फिर एक्शन लेके दिखाऊंगा। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें फिर मेरे से सवाल। जब हमने JIT कॉन्स्टिट्यूट किया है, प्रीलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया है। जैसे रिपोर्ट एस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करा और करके फिर दिखाऊंगा आपको। पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITs बनती रही हैं और वहाँ जो वाकयात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फर्क वाज़ह नजर आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। वजीर आला बुज़दार बड़े वाज़े दोटों के हस्ब कह रहे थे कि एक्शन लेकर दिखाऊंगा, लेकिन सानहे साहिवाल के बाद पंजाब हुकूमत और पुलिस के मौक़िफ़ में दर्जनों बार तब्दीली आई। वाक़यात की मुख्तलिफ तावीलें पेश की जाती रहीं, जिसकी वजह से कई सवालात खड़े हुए जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। अब तक ये बात नहीं बताई गई कि उन मुबैना दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया लेकिन क्या पुलिस का कोई जानी या माली नुकसान हुआ? CCTV फुटेज में सिर्फ पुलिस की एकतरफा फायरिंग ही क्यों नज़र आ रही है? अगर गाड़ी से असलहा और ख़ुदकुश जैकेट वगैरह मिली थी तो उन्हें मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? अगर गाड़ी में बारूदी मवाद था तो CTD ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को क्यों नहीं बुलाया? FIR में 16 अहलकार नामजद हैं, सिर्फ 5 अहलकारों को गिरफ्तार क्यों किया गया? पंजाब हुकूमत के तर्जमान शहबाज गिल ने भी मीडिया ब्रीफिंग में CTD के किरदार को मशकूक करार दिया था और अहलकारों के कत्ल के जुर्म का मुर्तकिब करार दिया था। इस JIT रिपोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात वाजे कर दी कि खलील फैमिली जो थी वो बिल्कुल इनोसेंट थी। जो JIT के सामने शवाहद आए उसमें उन्होंने जीशान साहब को, जो उनका पहले क्लेम था कि उनके शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ रابطे थे और वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, वो चीज़ उन्होंने अपनी बरकरार रखी और उसके उनके पास शवाहद हैं। JIT ने ये लिखा कि वहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं था, गाड़ी की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी मोटरसाइकिल से फायरिंग नहीं हुई और अनप्रवोक्ड इसको पीछे से गाड़ी को फायर मारे गए और उसके बाद बच्चों को बाहर निकालकर दोबारा फायरिंग की गई कि पुलिस ने अपने आप को बाद में बचाने के लिए अपनी जो वैन थी उसके ऊपर खुद से फायरिंग की
और JIT ने जो आला अफसरान इसमें SSP लेवल के अफसर थे उनके बारे में ये भी लिखा कि उन्होंने जो FIR JIT ने फैमिली के ऊपर दी पहली, उस FIR को भी उन्होंने उस पर असरअंदाज हुए और उसके जो असल हकायक थे उनको वो सामने नहीं लाए। JIT ने वाज़े तौर पर जो ग्राउंड पे जितने भी लोग थे उनको कन्विक्ट किया है, उनको ये बताया है कि वो कत्ल के मुर्तकब हुए हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज किया है। ये मौकफ़ रहा है पंजाब हुकूमत का जो शहबाज गिल दे रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि खुद वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ये कह चुके हैं कि CTD ने कानून से तजावज़ किया, एहलकारों के झूठ को सच नहीं समझना चाहिए और इस कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। राजा बशारत भाई है हमारा, लेकिन देखें पुलिस वाले या कोई भी CTD आपको जो कुछ कहें तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें। उन्होंने आपको कुछ कह दिया और आपने बोल दिया, आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि अगर वो गाड़ी में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, तो बिलफर्ज वो कितना भी दहशतगर्द हो तो क्या उस पर बीवी बच्चों के होते हुए इस तरह बहिमानत तौर पे गोलियां चलाना जस्टिफाइड है? किस कोर्ट के तहत जस्टिफाइड है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी राजा बशारत भाई है हमारा, ही शुड हैव अप्लाइड हिज माइंड अप्लाई करके देखें कि वो बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, जस्टिफाइड है CTD इस तरह हमला कर रहा है? इसको कंडेम्ड किया जाना चाहिए, ना सिर्फ ये एक्शन बल्कि जो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखिए ये तमाम चीज़ें अगर हों तो मनोअन ना तस्लीम करें कि कौन सी CTD ने आपको कोई रिपोर्ट दे दी या वो आप लेके TV पे बैठ गए, अनाउंस कर दिया स्पोक्समैन। आप माइंड अप्लाई करें, देखें सच है झूठ है। जी हाँ, माइंड अप्लाई करना चाहिए। फरूख नसीम साहब जैसे कह रहे थे यही हम आज कह रहे हैं कि माइंड अप्लाई करना चाहिए कि इतने सवालात मौजूद हैं मगर फिर भी अफसरान बाला बहाल हो रहे हैं। बात करेंगे, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे लाहौर से। हसन, ये बताएं कि जो मौके पर मौजूद अहलकार थे उन्हीं पर कानून की गिरफ्त आई है, वही कानून के शिकंजे में आए, राय ताहिर साहब हों या दीगर अफसरान, उनको क्लीन चिट मिल गई है, वो बरी जिम्मा हैं हर चीज़ से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, उनको बड़ी जुम्मा करार देने के लिए इकदामात किए गए हैं और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह थे एजाज शाह, उनको नवाजते हुए उनकी फरमाइश पर कि आपने कौन सा ओहदा लेना है, उनको DG एंटी करप्शन पंजाब के अजाफी चार्ज भी उनको दे दिया गया है और अब वो जो है एंटी करप्शन पंजाब के ओहदे पर आने के बाद मामला को मुख्तलिफ अंदाज से जो कि हुकूमत चाहती है उस अंदाज से उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए राय ताहिर, क्योंकि वो CTD फोर्स के हेड थे और डिशल IG पंजाब थे और इस तमाम तार फोर्स को ये खुद कंट्रोल करते थे, इन्होंने आके तमाम भर्तियों का सिलसिला शुरू किया, इन्हीं के दौर में सारे इकदाम हुए। आज हुकूमत उन पर तरकीद भी कर रही है और उनको नवाजने के लिए दोबारा बहाल भी कर रही है, उनको दोबारा अहदे पर लाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसके तमाम तार पहलुओं में देखा जाए तो IG पंजाब अमजद जवेद सलीमी वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं राय ताहिर को, कि उनके साथ वो माजी में बहुत अच्छे इनके मरासम भी रहे और उनके साथ साथ दीगर अफसरान जो हैं वो तमाम आला अफसरान को, क्योंकि उनके बयानिए को लेकर राय ताहिर ने IG पंजाब को दिया, IG पंजाब उस मामले को लेकर जो है उस चीज़ पर डट गए कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं। उसके बाद ये तो ब्यूरोक्रेसी सामने आने लगी। जैसे हसन रजा, उस्मान बुज़दार साहब वो क्या कर रहे हैं इस मामले पर? उन्होंने तो दो टोक अंदाज में कहा कि इंसाफ होगा, नजर आएगा, पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के हाथ से लगता है कि ये मामला निकल चुका और वज़ीर आज़म तक जा चुका और वज़ीर आज़म के बाद जो है अदालत इसमें जो है वो उन्होंने इसका नोटिस लिया था और इस पर जो है अभी जो उन्होंने जुडिशल कमीशन रिपोर्ट तलब किया वो आएगी, लेकिन पंजाब हुकूमत इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुकी है और वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जुमान हैं और बाकी जो वज़रा हैं ये मिल मिला के जो है वकील को और उसके जरिए जो बाकी खलील की फैमिली है और बाकी जो वर्सा हैं उनसे मुलाकात करके मामला को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हसन ये भी बताएं को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। जुडिशियल इंक्वायरी जो सामने आएगी, उसकी जो रिपोर्ट सामने आएगी, तो क्या ये तवक्को की जा रही है कि JIT रिपोर्ट से वो मुख्तलिफ होगी और अगर ऐसा होगा तो जो तैनातियाँ हुई हैं, जो क्लीन चिटें मिली हैं, क्या ये रिवर्स हो जाएंगी? क्या तवक्को है जुडिशियल इंक्वायरी से? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी जो कर रहे हैं वो एक बड़े काबिल ऑफिसर समझे जाते हैं।
और उनकी जानिब से मुकम्मल जो है शवाहिद भी इकट्ठे किए गए और जेआईटी का भी रिपोर्ट जो है उसको भी सामने रखते हुए जो है वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर उस रिपोर्ट में ये वाजह हो जाता है कि जुम्मेदारी अफसरान की बनती थी तो साफ जाहिर है तमाम तैनातियाँ जो है वो वापस लेना पड़ेगी। कानून के खिलाफ भी एक्शन होगा, उसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार भी होंगे, आईजी पंजाब भी होंगे, वजीर आजम भी होंगे, तमाम तर वो अफराद जो इस मामले को कवर करते हुए अफराद को उन अफराद को जो जीआईटी में शामिल नहीं किए जा रहे उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, वो भी इसमें मुलविस करार पाएंगे। यही मामला अब वही जीआईटी बनती दिखाई दे रही है जिस तरह साना मॉडल टाउन की जीआईटी बनी थी, उसमें मुलविस अफराद कुछ को कवर किया गया, कुछ को निकाला गया, अब इसमें भी यही मामला जो है सामने आ रहा है और काफ़ी चीज़ें जो है मुमासलत रखती हैं कि जिस तरह जीआईटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है उसके हिसाब से अगर देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। नए पाकिस्तान ने पुराने पाकिस्तान की झलक है और जैसा कि कह रहे थे कि जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम उनका नाम तो ज़रूर आएगा, अगर वो खुद वजीर आला हैं या मामला वजीर आजम तक जा पहुँचा है तो ये तैनातियाँ हुई हैं। अगर जुडिशल रिपोर्ट इससे मुख्तलिफ होती है जीआईटी की रिपोर्ट से तो ये सियासी लोगों के लिए शायद शर्मिंदगी का बाइस भी हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की फिजा में बतदरीज जंगी जुनून के बादल अब छट रहे हैं। तनाव में कशीदगी जो मुसलसल बढ़ती जा रही थी उसमें अब कमी आ रही है। सिफारती सतह पर पाक भारत मुलाकातों की इब्तिदा हो चुकी है। फिजाई ऑपरेशन तकरीबन बहाल हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार दो तरफा तजारत का आगाज हो चुका है। समझौता एक्सप्रेस का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की अमन पसंदी के साथ हालात मामूल पर आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त बैनुल अक्वामी मीडिया माहरीन, आलमी माहरीन, भारतीय सियासतदान तक मोदी सरकार के अहमकाना गलत बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। रोज बरोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना है तो पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की आलमी पजीराई में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 36 घंटों में ऐसी पेशरफ्त सामने आई हैं जो पाक भारत कशीदगी में मुसलसल कमी की गम्माज है। जैसे कल इस्लामाबाद में कायम मुकाम भारतीय हाई कमिश्नर गौरव अलावालिया और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात हुई। दफ्तर खारजा आमद पर भारतीय कायम मुकाम हाई कमिश्नर को यह बताया गया कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद मुशावरत मुकम्मल करने के बाद दोबारा नई दिल्ली जाएंगे। मुलाकात में ये फैसला हुआ था कि किरतारपुर राहदारी से मुतालिक माहदे पर 14 मार्च को नई दिल्ली में बातचीत होगी, मगर आज भारतीय वजारत खारजा ने इस मुलाकात को अटारी बॉर्डर पर मुनक़द करने का ऐलान किया है। इत्तलात हैं कि भारतीय वफ्द 28 मार्च को इस्लामाबाद आएगा। सिफारती मैदान में तनाव में कमी के साथ सरहदी मुहाज पर कशीदगी कम करने के लिए डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की हॉटलाइन पर राबते के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद हौसला अफजा पेशरफ के लिए उम्मीदें जाहिर की हैं और आलमी बिरादरी का शुक्रिया भी अदा किया है। सेक्रेटरी पोम्पियो का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा जी से और पाकिस्तान में मुझसे उनका रब्ता था। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का किस किस का नाम लूँ, तुर्की का, जॉर्डन का, यूएई का, सबका, कि जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और मामलात डी एस्केलेट हों, तो उसके इम्कानात अब रोशन दिखाई दे रहे हैं। ये बात अहम है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए इकदामात और अमन मुज़ाकरात की पेशकश करके भारत के को नफसियाती दबाव में मुब्तला कर दिया है, उस पर नफसियाती दबाव बढ़ा दिया है, जबकि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को अमन की जानिब लौटने के मशवरे दे रही है। अमरीकी महकमा इत्तलात के नायब तर्जमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वजीर खारजा माइक पोम्पियो का पाक भारत कशीदगी कम करने में बुनियादी किरदार है और इस सिलसिले में खुली सिफारतकारी के बजाय प्राइवेट डिप्लोमेसी बढ़ाई जा रही है। सेक्रेटरी पोम्पियो led diplomatic engagement
directly, and that played an essential role in de-escalating the tensions between the two sides. He spoke with leaders in both countries, and that included the Indian Minister of External Affairs, Swaraj, National Security Advisor, Doval, and Pakistani Foreign Minister, Qureshi. Sometimes we do public diplomacy, and sometimes there's a time for private diplomacy, and there's a lot of private diplomacy that's going on right now. در حقیقت دو جوہری ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور برے صغیر میں جنگ امریکہ، سعودی عرب، چین، برطانیہ، روس، ترکی اور دیگر ممالک کے سیاسی اور معاشی مفاد میں بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری نے شروع ہی سے اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی اور پس پردہ کوششیں ان کا آغاز کر دیا تھا اور ان کو جاری رکھا ہوا ہے، اور بظاہر دونوں ممالک پر یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کی وطن واپسی کے جو اعلان تھا اور اس کا جو تناؤ تھا اس سے پہلے اس تناؤ کو زائل کیا اور یہ خبر دنیا کو پہلے بتا دی تھی، یہ خبر بریک کر دی تھی کہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اچھی خبریں آنے والی ہیں. ریزنیبلی اٹریکٹیو نیوز فرام پاکستان اینڈ انڈیا. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think, hopefully, that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. قابل غور بات یہ ہے کہ بھارت یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کی تمام جنگوں اور جھڑپوں کا اختتام بات چیت اور مذاکرات کی میز پر ہی ہوا ہے. جب دو جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو طاقت کا توازن ایک ہوتا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی یہی معاملہ ہے. بلکہ پاکستان اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھارت سے کہیں آگے ہے، اس پر برتری رکھتا ہے. قیام امن کے لیے پاکستان کے مخلص ہونے کی دلیل بھی موجود ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ پاکستان نے گرفتار شدہ بھارتی پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت غیر مشروع طور پر بھارت کے حوالے کیا. حالانکہ جنیوا کنونشن کے تحت ابھی نندن کو رہائی کے بجائے جنگی جرائم کا مقدمہ بھی اس پر چلایا جا سکتا تھا. اب بھارتی سیاستدان اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ خطے کو جنگ میں جھونکنے کے بجائے انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے امن مذاکرات کی دعوت پر غور کریں. پاکستان امن چاہتا ہے. پاکستان آج جدھر کھڑا ہے، ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلٹی ہو، امن ہو. اگر ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم دو قدم ان کی طرف بڑھائیں گے. جو بھی ہمارے مسئلے ہوں وہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں، ہماری آگے بات چیت بڑھے، ٹینشنز کم ہوں، ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوں، لوور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھی. یہ ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے، نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن. جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے، اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس ہتھیار ہے. کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا. جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے. یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے. بہت اہم اور مثبت پیش رفت یہ بھی ہے کہ ریاست پاکستان نے راست اقدامات کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، کل عدم تنظیموں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر کے، اور ان سے وابستہ درجنوں مشکوک افراد کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اور اب یہ عالمی برادری اور بھارت پر منحصر ہے کہ وہ پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کا کتنا مثبت جواب دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ہماری طرف سے مسلسل بھارت کو امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، دوستی کی بات کی جا رہی ہے، مسائل کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے قطعی طور پر مثبت جواب نہیں ہے. جو ملاقات ہونے والی تھی نئی دلی میں، اب وہ ملاقات اٹاری بارڈر پر انہوں نے شفٹ کر دی ہے. تو بھارت آگے بڑھنے میں ہچکچاہ کیوں رہا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مجبوری ہم سمجھتے ہیں ان کی، مجبوری ہے ان کی الیکشنز.
इलेक्शन सर पे मंडला रहे हैं और बीजेपी हुकूमत समझती है कि इलेक्शन से पहले अगर पाकिस्तान के साथ वो एंगेज करते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इतना रेटरिक बढ़ाया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान बैशिंग को अपना इलेक्शन का एक मौजू बनाया हुआ था और आज अगर पाकिस्तान के साथ वो नरम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान के साथ एंगेज होते हुए दिखाई देते हैं तो उनको लगता है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका वोट बैंक है वो मुतासर होगा, तो बुनियादी तौर पर उनकी सियासी मजबूरी है। अच्छा, आदिल अल जुबैर के बारे में आपने कहा था कि वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, अब क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं कि कब उनका दौरा मुतवक्के है, एजेंडा क्या है उनका, वो क्या कब तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान? इंशाल्लाह वो कल तशरीफ ला रहे हैं और कल मेरी उनसे मुलाकात होगी, वजीर आजम से भी मिलेंगे और उनका एजेंडा जो है वो है डी एस्केलेशन, उनका एजेंडा जो है वो अमन व इस्तेकाम है इस खित्ते का। ठीक, और आदिल जुबैर जो है ये सिर्फ सऊदी अरब की ही नुमाइंदगी कर रहे होंगे? जी जी, वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, और इसके बाद इनका दौरा भारत भी है, भारत भी जाएंगे? ये तो इसके बारे में तो भारत ही बता सकता है, लेकिन मैंने इनको कहा था कि चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, यहाँ आने में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और हमारे दरवाजे उनके लिए और हमारी मोहब्बतें उनके लिए थी हैं और रहेंगी और हम नहीं भूल सकते कि अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब आए और जो उनने जेस्चर किए, पाकिस्तान के कैदियों को रिहा किया, वीज़ों की फीस में कमी की, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया और एक दोस्ती और खैर सकाली का एक उन्हें जो पैगाम दिया, पाकिस्तान के लोगों के दिल वो जीत के गए हैं। शाह साहब, जमहूरी हुकूमतों के मसाइल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मजबूरियां होती हैं, आपने भी जिक्र किया कि मोदी साहब की हुकूमत की मजबूरी शायद इंतखाबात हैं, एक बैकडोर डिप्लोमेसी होती है वो भी जारी है और अगर है तो किस सतह पर और क्या बहुत फास्ट ट्रैक पे मामला चल रहे हैं या बहुत धीमे हैं भारत के साथ? नहीं, जिसे कहते हैं ना प्राइवेट डिप्लोमेसी, जी वो जारी है और आप आज आपने सुना कि अमरीका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी सुबह जो प्रेस टेकआउट था उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनका भारत की वजीर खारजा सुषमा जी से और पाकिस्तान के वजीर खारजा कुरैशी से रबते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि मामलात जो तनाव है वो कम हो और अमन को खतरा लाहक ना हो। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इसके साथ साथ मैं दीगर बहुत से ममालिक जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, जिसमें चीन है, जिसमें रूस ने ऑफर किया है, लेवरोव फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने मुझसे फ़ोन पे बात की और कहा कि हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं और दोनों वज़राए खारजा रूस आ जाएँ, मिल बैठ कर गुफ्तगू शनीद से मसाइल हल करें। मैं शोर गुजार हूँ तुर्क सदर का, अर्दोगान का, मैं जॉर्डन के बादशाह का और दीगर बेपनाह ममालिक ऐसे हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, जैसा आपने खुद कहा कि बेपनाह ममालिक हैं, आपने बहुत सो का शुक्रिया भी अदा किया, डी एस्केलेशन अभी भी उसकी ज़रूरत मौजूद है, तनाव अभी भी मौजूद है, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? जी, हमारी तरफ तो आप देख रहे हैं वाज़े सिग्नल जा रहे हैं। आज हमने तीन बड़े वाज़े सिग्नल दिए हैं हिंदुस्तान को। नंबर एक, हमने फैसला किया है कि जो हमारे हाई कमिश्नर सुहेल महमूद साहब जो कंसल्टेशंस के लिए पाकिस्तान आए हुए थे, हम उनको दिल्ली लौटने का हमने उनसे कह दिया है कि वो वापस जाएं और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अपना काम करें। इससे बड़ा वाज़े सिग्नल चाहता है कि पाकिस्तान नॉर्मल ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता है। हमने इनको वाज़े पैगाम दिया है कि जो करतारपुर का हमारा शेड्यूल तय हुआ था इंगेजमेंट्स का, हम उसके लिए तैयार हैं और 14 मार्च डेट तय हुई थी हमारे डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया डॉक्टर फैसल साहब 14 को दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हैं। हमने उनको सिग्नल दिया है कि जो हमारे और आपके दरमियान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो एक मैकेनिज्म मौजूद था, जो हर हफ्ते दोनों अतराफ
ڈی جی ایم اوز گفتگو کرتے تھے ہر منگل کے روز, ہم اس کانٹیکٹ کو بحال کرنے کے لیے تیار. اگر اشا صاحب یہ کرتار پور والا جو معاملہ ہے, معذرت آپ کی قطع کلامی کی, یہ کرتار پور والا معاملہ میں نے ذکر کیا کہ وہ تو دلی بلا بھی نہیں رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں اٹاری پر ہی اب آپ بات کر لیجیے. میں نے اس سے پہلے آپ سے جو سوال کیا کہ ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں, امریکہ کے آپ نے ذکر کیا, سب کا سب کے آپ نے ذکر کیا, عمران خان صاحب کئی مرتبہ ٹیلی فون کر چکے ہیں, وہ فون نہیں اٹھاتے, وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ہے. سوال ہے کیوں؟ تو پاکستان کو یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے؟ بالکل ہم رکھیں گے, ہم پرامن ملک ہیں, ہم امن کے خواہش مند ہیں, ہم لڑائی نہیں ہیں, ہم جنگجو نہیں ہیں, ہم اس خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے. ہماری توجہ مغربی سرحد پہ تھی, ہم اس پر لوٹنا چاہتے ہیں, ہم افغانستان کے امن کے خواہاں ہیں, ہم وہاں کے ریکنسیلیشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. صدر ٹرمپ نے اس کو اکنالج کیا, سیکرٹری پومپیو نے اکنالج کیا, یورپین کیپٹل نے اکنالج کیا. ہم اپنے سفر پہ گامزن رہنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کی معاشی ترقی چاہتے ہیں, ہم یہاں روزگار چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا. چائنا کے نائب وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, کیا ان کا پیغام ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ چائنا ہمارا بڑا پرعتماد دوست ہے, ہمارا ایک آل ویدر فرینڈ ہے, ہم ہر مسئلے پر ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں. تو پلوامہ کی جو صورتحال تھی اس پر جو چین کے اسٹیٹ کاؤنسلر ہیں اور فارن منسٹر ہیں وانگی, ان سے میری تفصیلی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, تبادلہ خیال ہوا, اور اس کے بعد میں نے جو صورتحال ان کے سامنے رکھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے وائس منسٹر کو ایز اے اسپیشل انوائے کے طور پر پاکستان بھیجیں گے تاکہ ہم بالمشافہ بیٹھ کر ساری صورتحال کو اسیس کریں, ایک دوسرے سے مشاورت کریں, اور مل بیٹھ کر اگلا راستہ ڈپلومیٹک راستہ امن کے راستے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں اس پر تبادلہ خیال کریں. شاہ صاحب, مگر تمام گفتگو کے ساتھ سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ بھارت امن کی جانب تیزی سے نہیں بڑھ رہا اور خطرہ موجود ہے, ایسی صورت میں پاکستان کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان امن کے لیے تیار ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے خلاف جارحیت کی جاتی ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان. دو ٹوک موقف ہے پاکستان کا, پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اگر جارحیت کی گئی تو ہم جواب کے لیے بھی تیار ہیں. ایک طرف ہم اپنی طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خطے میں امن آئے, قیام امن کے لیے بھرپور ہماری محنتیں ہیں, کشیدگی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں, اور ریاست پاکستان اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے کالعدم تنظیموں اور مشکوک افراد کے خلاف بھی بھرپور کاروائی کر رہی ہے, ملک کے اندر ان کا صفایا کیا جا رہا ہے, یہ پرانی پالیسی ہے پاکستان کی جسے کیری آن کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ریاست پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کالعدم تنظیموں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. محکمہ اوقاف نے کالعدم تنظیموں کے زیر اہتمام مساجد و مدارس کا انتظام سنبھالنا شروع کر دیا ہے, جس کا باقاعدہ آغاز آج وفاق دارالحکومت اسلام آباد میں کیا گیا ہے. گزشتہ روز کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کے بھائی مفتی عبدالرؤف اور ان کے بیٹے حماد اظہر سمیت کالعدم تنظیموں کے 44 ارکان کو حراست میں لیا گیا. تازہ ترین پیش رفت اب یہ ہے کہ اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی, سیالکوٹ, ڈھسکا سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں محکمہ اوقاف نے کالعدم تنظیموں کے زیر انتظام مساجد کے امام اور خطیب تبدیل کر دی ہیں, تمام انتظامی امور کا کنٹرول خود سنبھال لیا ہے. راولپنڈی میں کالعدم جماعت و دعویٰ اور کالعدم فلاحی انسانیت کے زیر انتظام اسپتالوں اور ڈسپنسریز اور فلاحی مراکز کو سیل کر دیا گیا ہے. یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کی جانب سے کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ پلوامہ حملے کے بعد کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ فیصلہ پلوامہ حملے سے کہیں پہلے کیا جا چکا تھا. اس بات کا اظہار کل ہمارے ہی پروگرام میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی کیا تھا. یہ جو ابھی آپ ایکشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا,
को इनिशिएट भी आर्मी ने किया था, सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को पोस्ट एपीएस के हमें एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, जो फिर बना और उसको अल्हम्दुलिल्लाह यूनैनिमसली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया और उसके ऊपर एक्शन करने के लिए 2014 से काम शुरू हो गया। तो उस वक्त तो कोई पुलवामा नहीं हुआ था, उस वक्त कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त एफएटीएफ भी नहीं थी। ये जो आज प्रोस्क्राइब्ड हुई हैं, नोटिफिकेशन फॉर्मली हुआ है इनको फलाह इंसानियत को और दूसरे को बैन करने का, ये डिसीजन भी जनवरी में हुकूमत ने ले लिया था और आर्मी की इनपुट उसमें शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये जनवरी में अनाउंस नहीं हो सका और जब ये 21 फरवरी को एनएससी हुई है तो उसमें ये फिर प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये डायरेक्शन दी कि ये काम करें। स्टेट की विल ऑलरेडी ये थी, स्टेट का प्लान भी था, इस पे अमल दरामद स्लो था जो कि वक्त के साथ साथ तेज हो रहा है। ये हमने अपने इंटरेस्ट में काम करना है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रेशर है या ऐसा है। एफएटीएफ के ऊपर जो पॉइंट पे अमल करना था वो भी हम कर रहे हैं और उसका फायदा भी पाकिस्तान को है। अगर हमारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इसका फायदा पाकिस्तान को बराह रास्त है। दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में कौमी सलामती कमेटी का 21 फरवरी को जो इजलास हुआ था, उस इजलास में कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने और नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर हकीकी मानों में अमल दरामद का फैसला किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान का नुकता नंबर 3 यह मुतालबा करता है कि मुल्क में किसी मुसल्ला तंजीम या लश्कर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नुकता नंबर 6 ये कहता है कि दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग पर बंदिश होगी, जबकि नुक्ता नंबर 7 वो ये कहता है कि मुल्क में कालेदम तंजीमों को नए नाम से दोबारा आने का मौका नहीं दिया जाएगा। आज कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस जानिब निशानदेही की कि नेशनल एक्शन प्लान और एफएटीएफ की गाइडलाइंस पर अमल ना करके हमने अपना केस कमज़ोर किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार एक्शन हकीकी होना चाहिए। We all know that we have been wrong. We should also know that by not implementing the National Action Plan and by not acting on FATF guidelines, we are making our own case weaker. We have heard recently in the news, Mr. Speaker, that Pakistan is considering to take action. We welcome this. We hope it is true. But we heard the same after APS. We consistently heard the same no matter who is Interior Minister in Mr. Sharif's time. We heard the same for the last 6 months of this government. We hope, Mr. Speaker, that this time is different. We have shown the entire country, nay, we've shown the entire world that we can be united. We've shown that we can talk the talk. Now it's time for us to walk the walk. We have to combat this mindset for the future of our coming generations. ताज़ातरीन सूरतेहाल यह है कि जमात उद्दावा और फलाह इंसानियत समेत दीगर कलअदन तंजीमों के असासों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर ली गई है। पंजाब में इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अभी ये फहरिस्तें तैयार की गई हैं, यहाँ कार्रवाई होना बाकी है। परसों वफाकी हुकूमत ने तमाम कलअदन तंजीमों के खिलाफ अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ऑर्डर का पाकिस्तान में इतलाक़ किया था, जिसके मुताबिक कलअदन तंजीमों के असासों और जायदादों को जब्त किया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट्स, मालियाती इदारों, स्टॉक मार्केट और बचत स्कीमों में रकम भी जब्त की जा रही है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर साहब। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेक्रेटरी दाखला की जानिब से और उनके हमराह जो वज़ीर दाखला ममलिकत थे, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये कार्रवाइयाँ 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी और ये कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में की जाएंगी। इस हवाले से तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की मदद से तमाम उन पहले मदरसों और मसाजिद की निशानदेही की गई है जो कलदन तंजीमें चला रही थी। जैसे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर कुछ मदारिस और कुछ मदारिस ऐसे थे जो कलदन तंजीम जो है वो चला रही थी और उनको
अब मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। उसके उसमें मौजूद जितने भी लोग थे जो वहाँ के मोतमिम थे या इमाम थे उनको अब गिरफ्तार करके वही हिफाजती तहवील में उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, जबकि उसका जो क्योंकि मसाजिद हैं और वहाँ पर नमाज वगैरह को कायम रखना लाजमी है तो महकमा औकाफ के जो इमाम साहिबान हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह रावलपिंडी और दूसरे जो इलाके हैं पंजाब के वहाँ पर भी कुछ डिस्पेंसरियाँ जो फ्लाई काम कर रही थी लेकिन वो कलदन तंजीमें चला रही थी उनको भी ऐसे ही किया गया है कि वहाँ के जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको उन्होंने पहले कुछ देर के लिए सील किया, वहाँ पर मौजूद जो अमला और वहाँ के जो लोग थे जिनको जो बैंड आउटफिट से जिनका ताल्लुक था उनको हिरासती तहवील में लिया गया है। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब उनका कंट्रोल जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़िले जिस जिस ज़िले के अंदर हैं ज़िले इंतज़ामिया ने उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है कि वो डिस्पेंसरीज और वो अस्पताल जो है वो उसी तरह चलते रहेंगे लेकिन उसके कंट्रोल जो है वो पंजाब हुकूमत के पास होगा। इसी तरह तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसी मसाजिद और मदारिस हैं जो इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर हैं और उसको अब इस तरह करके चलाया जा रहा है कि जो ज़िले इंतज़ामिया महकमा औकाफ के लोग हैं वो इमाम मस्जिद होंगे और जो मदारिस हैं उसके मोतमिम जो होंगे वो भी महकमा औकाफ के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो वहाँ पर इसके मोतमिम होंगे। दूसरी जानब जो नेक्शनल प्लान में कहा गया था कि एक जो इन लोगों को रजिस्टर किया जाएगा और इनकी तमाम जितने भी वहाँ पर मौजूद इन्वेंट्री है एक डिस्पेंसरी के अंदर जो भी सामान है उसकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं वो लिस्टें कुछ वो वहाँ पर मौजूद जो मौत में हो गए उसके हैंडओवर कर दिया जाएगा। और अब तमाम मामलात को देखेगा, मतलब ये कि हुकूमतें सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमतें देखेंगे। कल वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने 44 गिरफ्तारियों की बात की थी, आज भी ये सिलसिला जारी रहा, आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से तकरीबन 23 के करीब जो हैं वो लोग उनको हिफाजती तहवील में लिया गया है और कहा यह गया है कि इन पर अभी किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं, वही सिलसिला है जिस तरह कल गिरफ्तारियां 44 जाहिर की गई थी और वो 44 गिरफ्तारियां अब 23 गिरफ्तारियां इस्लामाबाद और रावलपिंडी से की गई हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, वही हिफाजती तहवील है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस आएगा किसी किस्म की कोई मालूमात या सबूत होगा कि ये कलदन तंजीम में कुछ ऐसे अनासर हैं जो कोई मिस्क्रियंट्स हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना 2 हफ्ते उनको हिफाजती तहवील में रखने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। पंजाब में भी इसी तरह किया जा रहा है कि जितने भी ऐसे इंटेलिजेंस मालूमात उनके पास मौजूद हैं कि कलदन तंजीमों के लोग बेशक वो फलाही कामों में काम शाम कर रहे हों या वो मदारिस और मसाजिद के अंदर हों उन लोगों को हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बिना पर, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट खास तौर पर पुलिस की स्पेशल ब्रांच जो है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो स्पेशल ब्रांच है उनकी रिपोर्ट्स को कंपाइल किया जा रहा है और उसके बाद उन रिपोर्ट्स की मदद से उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ये फहरिस्तें तैयार हुई हैं, यहाँ कार्रवाई होनी है, तो ये कार्रवाई सूबाई हुकूमत ही कर रही है या मरकज से इसको डायरेक्शन मिल रही है? अजय मसूद, इसके हवाले से सारी डायरेक्शंस जो है वो वफाकी हुकूमत ने ही की थी क्योंकि कलदम करार देने का जिसे फलाई इंसानियत को कलदम करार देने की जो डायरेक्शंस थी वो वफाकी हुकूमत ने दी थी और वो कौमी सलामती कमेटी में इसका फैसला किया गया था जिसका इतलाक कल गुज़श्ता रोज़ वजारत दाखिला ने किया और कल उनका नाम जो है बाकायदा तौर पर कलदम करार देने वाली लिस्ट में डालने के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसी वजह से पहला इनिशिएटिव इस्लामाबाद से शुरू किया गया और ये तमाम सूबों की हद तक अब फैलाया जा रहा है और इसकी एक कायदा रिपोर्ट जो है वो तमाम सूबों से होम सेक्रेटरीज को ये कहा गया है कि वो वजारत दाखिला में पेश करेंगे और इनको जो टाइम दिया गया वो 2 हफ्ते का है कि 2 हफ्ते के अंदर ये तमाम इंतजाम जिस जगह पर ऐसे मदारिस और ऐसी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही थी उनके कंट्रोल संभालने के बाद ज़िले इंतजामिया वो वफाकी सेक्रेटरी को अपनी जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे ताकि पूरे मुल्क में इस चीज़ का तयन किया जा सके कि कितनी चीज़ें जो हैं वो कंपाइल की गई हैं, कितनी जगह पर कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ सकी। और इसके वज़ीर दाखला ममलिकत जो हैं शहरयार आफरीदी वो 2 हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें ये तमाम चीज़ें उसमें बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, तफसील से आपको बता रहे थे कि वो काम जो हम 2014 से भरपूर तरीके से करना चाह रहे हैं अब 2019 में हमें होता नज़र आ रहा है, 2 हफ्ते बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वजारत दाखिला की जानब से तो मज़ीद चीज़ें हमारे सामने मौजूद होंगी। एक जानब पाकिस्तान में कलदन तंजीमों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है, रियासत पाकिस्तान शिद्दत पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशा है, दूसरी तरफ
پڑوسی ملک بھارت میں مذہبی انتہا پسندی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں پر مظالم بھارت کے منہ پر ایک کلنک کا ٹیکا بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کی حرکتوں سے سیکولرزم کا جو ان کا ایک خواب تھا، ایک پہچان تھی، وہ زائل ہو رہی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا جو پول ہے وہ اس کے ڈھول کا پول کھل رہا ہے۔ الیکشن جیتنے کی حوث میں نریندر مودی جنگی جنون میں مبتلا ہیں، اور ہندوتوا کے نعرے پر بھارت تقسیم نظر آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بھارت میں جمہوریت خطرے میں ہے، اور وہاں سیکولر سوچ بھی زوال پذیر ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود وہاں کا پڑھا لکھا اور دانشور طبقہ کہہ رہا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے 5 برسوں کو وہاں کے ناقدین ایک ایسے دور سے تعبیر کر رہے ہیں جب بھارت میں انتہا پسند یعنی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ حاصل ہوا، اظہار آزادی اور سیاسی حقوق پر قدغنیں لگیں، کشمیر میں حالات مزید خراب ہوئے، حکومتی پالیسیوں نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کو فروغ دیا ہے۔ مودی سرکار کے پہلے 3 سال کے دوران مذہبی تشدد کے واقعات میں 28% اضافہ ہوا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں نے گائے کو جواز بنا کر مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ پچھلے 7 سال کے دوران ملک بھر میں 168 ایسے واقعات ہوئے جن میں 46 لوگ قتل کیے گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں انتخابات کے آتے آتے یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا مسٹر مودی جس راہ پر بھارت کو لے کر جا رہے ہیں وہاں سے واپسی ممکن بھی ہے یا نہیں۔ مودی نے سیاسی مفادات کے لیے مذہبی انتہا پسندی کے جن کو بوتل سے نکال دیا ہے اسے واپس بوتل میں ڈالنا ممکن ہے بھی یا نہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کے سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب شہذیب جیلانی۔ بہت شکریہ شہذیب جیلانی صاحب۔ سب سے پہلے تو چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یہاں ذکر ہوا ہندوتوا کا، یہ کیا نظریہ ہے یا کیا فلسفہ ہے جسے مودی سرکار مسلسل آگے بڑھا رہی ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہندو قوم پرست نظریہ ہے جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اجارہ داری اور حاکمیت جو ہے وہ ہندو طرز زندگی کی قائم کی جائے بھارت کے اندر۔ اس کی شروعات ایکچولی تقسیم ہند سے پہلے کی ہے، کوئی 95 سال پہلے یہ نظریہ فلوٹ ہوا، اور کٹر ہندو جو ہیں وہ اس کے حامی تھے۔ ان کے نزدیک وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سیاست ہو، ثقافت ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو مذہب کے تابع ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کی مقدس سرزمین ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ ہمارے لیے اہم ہے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلم ان کے لیے اہم ہے۔ تو یہ اس نظریے کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اس کا بڑا مسئلہ یہ کہ اس سوچ میں دیگر مذاہب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، حالانکہ صدیوں سے وہاں بستے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، اور یہاں تاریخ کو بھی عموماً ہم نے دیکھا کہ مسخ کیا جاتا ہے، یہ آر ایس ایس اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس حد تک مؤثر ہے؟ راشٹریہ سیوک سنگھ، یہ تنظیم جو ہے بیسیکلی ایک نرو سینٹر ہے جس نے اس فلسفی کو آگے بڑھایا۔ بنیادی طور پہ وہ ہندو قوم پرستی کا نعرہ استعمال کر کے، پاکستان سے لڑائی کر کے، کشمیریوں کو دبا کر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور یہی دیکھنا ہوگا آنے والے الیکشن میں کہ بھارت کس طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شہذیب جیلانی صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں پولیو کا خاتمہ، یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اس حوالے سے کے پی کے میں خاصے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ کیا مسائل ہیں بتاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو کے خاتمے پر تیزی سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن بھرپور کوششوں کے باوجود پاکستان کو
पोलियो फ्री बनाने की मंजिल अभी कुछ दूर है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान में पोलियो के 306 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2018 में कम होकर 18 हो गए, जबकि 2019 में अब तक मुल्क में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पोलियो के अब तक सामने आने वाले केसेस में पंजाब में 1, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 3 केसेस में से 2 का ताल्लुक कबायली इलाकों से है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस साल पिशावर में 12,000 बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 58,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे हैं। बीबीसी और वाशिंगटन पोस्ट के हालिया रिपोर्ट्स जो हमारे सामने मौजूद हैं वो हमें ये बताती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में पोलियो के कतरे ना पिलाने की बड़ी वजह इंटरनेट के ज़रिए फैलाई जाने वाली अफवाहें हैं, जिनमें ये प्रोपेगेंडा आम है कि पोलियो के कतरे पिलाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का एक हिस्सा है, जिसका मकसद मुसलमानों की आबादी को कम करना है। जबकि उसामा बिन लादन की मुखबिरी करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी की तंजीम ने भी पोलियो मुहिम का सहारा लिया था, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के खिलाफ शकूक हैं, उसे मशकूक नज़रों से देखा जाता है। पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले तक पोलियो मुहिम मुतासर होने की एक और वजह पोलियो वर्कर्स पर होने वाले हमले भी थे। 2012 के बाद से अब तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और इसके कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के हमलों में 70 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स और उनके मुहाफिज जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत ज़बरदस्त किस्म के चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरपेश हैं। पोलियो के खात्मे के लिए बात करेंगे बाबर बिन अता से, जो कि फोकल पर्सन हैं एंटी पोलियो प्रोग्राम के। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब। बड़े ख़तरनाक किस्म के चैलेंजेस हैं, प्रोपेगेंडा है, आवाम को माइल भी करना है इस तरफ, सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ रहे हैं। ये प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो आपके चैलेंज हैं इनसे कैसे निपटेंगे आप? मसूद, एक तो सबसे पहले मैं आज कामरान खान के साथ का शुक्रिया आपको अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम इस पे बात कर सकते हैं। और अगर मसूद मैं आपको एक रीज़न आप कहें ना, मतलब बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन अगर मैं आपको बेस में ले जाऊं तमाम रीजंस के और मैं आपको बताऊं कि वो एक क्या वजह है जो एक पोलियो फ्री पाकिस्तान और पाकिस्तान विद पोलियो के दरमियान बीच में आई हुई है जिसको हमने हटाना है, वो है वालिदैन का ट्रस्ट डिफिशिएंट वैक्सीन पे। और मसूद इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है 2005 में पोलियो ख़त्म करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। 24 पोलियो केसेस से हमारे पूरी दुनिया देख रही थी हमें कि पाकिस्तान एरेडिकेट कर जाएगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में आईं, उसके बाद एक वेव चली, फिर नाइजेरिया में पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीन का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ जो वहाँ से फैलता फैलता पाकिस्तान पहुँच गया, वहाँ से वालिदैन ने इनकार करना स्टार्ट किया और फिर अजीब शकूक व शुबात हुए और फिर अनफॉर्चुनेटली आपने तमाम शुक्रिया अपनी जगह उलमा इकराम इस मुहिम में शामिल हुए, असाध्या शामिल हुए, मुल्क का कोई तबका ऐसा नहीं है जो इस प्रोग्राम इस एंटी कैंपेन के खिलाफ चला हो और बात की, सब कुछ हम कर चुके हैं मगर उसके बावजूद पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, तो अभी और क्या करना बाकी? जी मसूद मैं आपको बताया था मसूद, अगर वही दोबारा उस पर मैं आ जाता हूँ कि एक वो रीज़न अगर आप कहें ना कि मुझे एक रीज़न बता दो कि पाकिस्तान पोलियो खात्मा क्यों नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रस्ट है। अभी हमारे एक बड़े फेमस एक्टर हैं फवाद खान, उनका इंसिडेंट आपके सामने आया होगा। वालिदैन के जहनों में एक क्वेश्चन है जिसका जवाब हमने देना है, मेरी जिम्मेदारी है एज गवर्नमेंट के मैं इसका रिस्पॉन्स दूँ और पेरेंट्स का हक है कि वो पूछ सकें। वो ये कहते हैं कि आप हर 30 से 40 दिनों बाद आके बार बार वैक्सीन क्यों पिलाते हैं? मसूद ये याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो 1994 में, तो 22,000 बच्चे रिकॉर्डेड हैं पैरालाइज थे और हर तरफ पोलियो नजर आता था। क्योंकि पोलियो प्रोग्राम सक्सीड हो गया है और अब नंबर जैसे आपने खुद बताया कि अब वो लेस देन 20 हो गया एक साल में और हमें गिर्दोनवा में माजूर बच्चे नज़र नहीं आते, तो हम समझते हैं कि बीमारी का खात्मा हो गया है, लेकिन वायरस मौजूद है, गटर के पानी में मौजूद है। और एक मैं आपने जब दूसरा सवाल किया, मैं आपको क्लियर कर दूं मसूद कि जब भी किसी मुल्क में पोलियो वायरस का खात्मा वो मुल्क नहीं कर पाता तो वो सिर्फ एक अमर की तरफ निशानदही करता है कि आप ग्रुप्स में इतने बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन से महरूम रख रहे हैं कि वायरस को जिंदा रहने का मौका मिल जाता है। आपने जो रिफ्यूजल्स का जिक्र किया, मैं आपको जरा आप सरप्राइज होंगे सुन के कि ये नंबर आप जो बता रहे हैं ये काफ़ी कम बता रहे हैं।
पाकिस्तान में 3.5 लाख बच्चे हर पोलियो मुहिम में, पूरे साल में नहीं, हर पोलियो मुहिम में पोलियो के कतरों से महरूम रह जाते हैं, और उन 3.5 लाख बच्चों में से आधी तादाद जो है वो ये है कि जिसमें वालिदैन फ्लैटली फेस पे इनकार कर देते हैं शकूक व शुबहात की वजह से। वालिदैन के क्वेश्चंस का आंसर देना है जो कि जनरेट होता है सिर्फ एक बात से, और वो है कि हर 30 से 40 दिन बाद ये पोलियो टीम वो वैक्सीन हमें बार बार हमारे बच्चों को पिलानी क्यों आती है, इसका आंसर देना है। उसके ऊपर लगे हुए हैं, दिन रात उस पर काम कर रहे हैं, एक कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उस पर हम लगे हुए हैं, और मैं खुद भी पोलियो प्रोग्राम में 8 साल नौकरी कर चुका हूँ, और मैं जो है वो गलेबल इस पर तो कानून भी मौजूद है कि अगर कोई रिफ्यूजल करे तो फिर कानून के मुताबिक उससे डील किया जाए। मसूद प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में मसूद जहाँ पे आपने पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को इन्फोर्स करने की कोशिश की तो लोग उसको रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पेशावर में ये हो रहा है कि जहाँ पे, क्योंकि पोलियो टीम शकील अफरीदी के बाद एक मसला बन गया था कि हमें लोकल उसी गली के बंदे को पोलियो टीम का बंदा बनाना था, अब वो बार बार उधर आ रहे होते हैं, बार बार जब पेरेंट इनकार करता है तो पोलियो टीम के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करे, और डिप्टी कमिश्नर FIR काट के उनको, पुलिस पहुँच जाती है घर पर, तो वो वालिद या वालदा जो है वो बच्चे को कतरे तो पिला देते हैं लेकिन उनकी दुश्मनी बन जाती है उसी गली में उसी पोलियो टीम जो उसी गली का हिस्सा है, वो कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे घर पर पुलिस आई है। तो अब ये एक और फिनोमेना शुरू हो गया है कि जो फिंगर मार्कर होता है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, मेरी फिंगर्स पे एक ब्लैक निशान है, ये फिंगर मार्कर पेरेंट्स के अब हमें मिले हैं पेशावर में, उन्होंने पेरेंट्स ने अपने पास फिंगर मार्कर्स रखे हुए हैं, यानी अब जब भी कैंपेन होती है वो बच्चों को फिंगर मार्क करके, तो ये ट्रस्ट डिफिशिट की वजह से हो रहा है ना। लोग कहते हैं कि एक डिमांड नहीं है एक दवाई की और आप उसको बार बार पिलाए जा रहे हैं, तो जिस वक्त हम ऑपरेशन स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर फोकस करें, उसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस पर काम करने की जरूरत है। तो हम शुरू से जानते हैं, जो आप बता रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए, हल क्या है, हुकूमत कर क्या रही है इस पर, 3 लाख 3.5 लाख का रिफ्यूजल आप बता रही, हल क्या है? जी मैं आपको बता देता हूं मसूद, हल ये है कि हमें पाकिस्तान में रिफ्यूज़ल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाऊं कि इसको एक्चुअली हमने 4 से 5 सेगमेंट्स में सेग्रीगेट किया हुआ है। ये जो मैंने आपको 1.25 लाख का फिगर बताया है, इसमें जो सबसे, अब आप मीडिया को तो लगता है कि शकील अफरीदी की वजह से रिफ्यूजल हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें शकील अफरीदी की वजह से कोई रिफ्यूजल नहीं मिलता। हमें जो सबसे बड़ा रिफ्यूजल मिलता है वो मिलता है, लोग कहते हैं कि वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स पे, तो वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स पे जिन लोगों को शक है उसके लिए अलग कैंपेन पर काम हो रहा है। दूसरा सेगमेंट जो हमारे पास आ जाता है वो समझते हैं कि गैर मजहबी है। अब गैर मजहबी बहुत कम सेगमेंट है, और ऑलरेडी हमारे, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूँ कि आलमी इदारे सेहत के साथ मिलकर हमने तकरीबन 1100 उलमा इकराम हमारे साथ पैनल पर आ चुके हैं जिनके साथ हम मिलकर, मैं यही कह रहा हूं कि तमाम चीजें तो हो चुकी हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताया जा चुका है, उलमा इकराम भी ऑन बोर्ड आ चुके हैं, फतवे इस पर आ चुके हैं, ये सारी चीजें तो आ चुकी हैं। अब तो लोगों को बताना है कि भाई ये फतवे, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ गलत नहीं है, आप पिलाएं, इसमें क्या कबाहत है? मसूद आपके इंट्रो में आपने जो एक बात की ना कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे ये जो फ्लड है एंटी वैक्सीन वीडियोस का, आज भी मेरी जो आलमी इदारे सेहत की पूरी दुनिया की सरबराह हैं डॉक्टर टेड्रोस, उनसे टेलीफोन पे बात हुई है और हमने ये फैसला किया है एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम फेसबुक और गूगल को लिखेंगे कि ये वैक्सीन एंटी वैक्सीन वीडियोज़ जो हैं इनको रिमूव किया जाए। मगर बाबर आप तो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं इस मामले पर, जब हेट स्पीच पर, एक गलत किस्म के ट्वीट पर, उस पर सजाएं हो सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो इस तरह की वीडियोस पे पाबंदी क्यों नहीं लग सकती? आप वजीर आजम को क्यों मशवरा नहीं देते? बिल्कुल दे दिया है, इसीलिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से बात भी हो गई है, वो तैयार हैं, हम आज कल में ख़त लिख लूँगा, मैं आपके साथ खुद शेयर कर दूंगा, हम भेज रहे हैं उनको। देखें प्रेसिडेंस बनना ज़रूरी होता है मसूद, पहली दफ़ा गूगल ने और फेसबुक ने जो है वीडियोज़ डिलीट की हैं मीज़ल्स के खिलाफ वैक्सीनेशन की, यूनाइटेड स्टेट्स में उन पर प्रेशर पड़ा है क्योंकि US में प्रॉब्लम बन रही थी वैक्सीनेटर्स को, और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा जो है ये इस वक्त ग्लोबल चैलेंज है, और इसीलिए WHO ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है कि सबसे बड़ा थ्रेट अगर दुनिया को सेहत के लिहाज से कोई है तो यही एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा है, एंड वेरी सॉरी टू से पाकिस्तान सफर कर रहा है एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबर अता साहब, हमारे साथ मौजूद थे, वजीर आजम के मामले खसूसी भी हैं और पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन भी हैं, बता ही रहे थे कि जो शदीद मुश्किल हैं ये वही मुश्किल हैं जो पहले भी हमारे सामने रही हैं। 22,000 से 20 बच्चों के इन्फेक्टेड होने का जो ये सफ़र है ये हमने बहुत सालों में तय किया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री मुल्क नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।